बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय स्वामी जी, अन्य सभी विद्वतगण और सभा मंडल में उपस्थित सभी सुंदर साथ, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी यहां पर इस कार्यक्रम में एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम का प्रयोजन है कुछ धर्म की चर्चा हो, कुछ आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा हो। यदि हम वर्तमान में मनुष्य के जीवन को देखें तो संसार के सभी प्राणी एक नियमबद्ध तरीके से अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। आप स्वयं आंकलन कर सकते हैं, सुबह उठना, भोजन करना, काम पर जाना, शाम को थके हारे लौटना, खा पी करके सो जाना और फिर अगले दिन से वही दिनचर्या को दोहराना। जिस तरह एक कोल्हू का बैल होता है, मध्य में तेल का सामान रखा है और उसके चारों तरफ वो एक वृत्तलाकार परिधि में घूमता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है, शाम से उसकी जिंदगी तमाम हो जाती है, लेकिन प्रतिदिन वो जहां से आरंभ करता है वहीं पर ही समाप्त करता है। मनुष्य की वर्तमान परिस्थितियां भी कुछ ऐसी हैं। संसार के इस जीवन को जीते जीते यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति के संसर्ग में कोई बुद्ध पुरुष आता है, कोई महान व्यक्तित्व आता है और वो उसकी शांति को देखता है, प्रेम को देखता है, उसकी करुणा को देखता है, तो उसके मन में ये जिज्ञासा जरूर उठती है, क्या कभी मेरे अंदर भी ऐसा प्रेम आ सकता है? क्या कभी मेरे अंदर भी ऐसी शांति आ सकती है? और जो परमात्मा का आनंद, परमात्मा का अपूर्व सौंदर्य किसी बुद्ध पुरुष के जीवन में घट रहा है, क्या वो मेरे जीवन में घट सकता है? मुंडको उपनिषद में इस बात को एक पक्षी के उदाहरण से बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ऋषि का कथन है कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्याः पिपलम स्वादु इति अन्यश्च अन्याः अभिचाक्षिति। कि एक वृक्ष है, उसके ऊपर दो पक्षी बैठे हैं। एक पक्षी है जो वृक्ष के फलों को भोग रहा है, मीठा फल आता है तो उसको खा करके आनंदित होता है, कड़वा फल आता है तो उसको खा करके दुखी होता है। लेकिन उसी की साथ में एक शाखा पर दूसरा पक्षी बैठा है, वो ना मीठा फल खा रहा है और ना ही कड़वा फल खा रहा है, वो तटस्थ भाव से सबको देख रहा है। तो जो पहला पक्षी है वो दूसरे को देख करके सोचता है कि क्या मैं भी इस हानि लाभ दुख और सुख से परे होकर के इस पक्षी की तरह तटस्थ हो सकता हूं? हम सब के जीवन में कभी ना कभी एक घड़ी जरूर ऐसी आती है जब हमारे मन में भी ये सवाल उठता है, क्या ये संसार के इन दुखों से परे होकर के किसी अलौकिक आनंद को हम प्राप्त हो सकते हैं? और यदि किसी के ऊपर परब्रह्म की अलौकिक कृपा हो तो वो अपने आप को इस संसार से पृथक देखता है, इस ब्रह्मांड को एक तटस्थ भावना से देखता है और उसके मन में भी यही संकल्प उठते हैं जो यजुर्वेद के ऋषि ने कभी कहे थे, को असी कत्मो असी कस्या असी को नाम सी, कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक परिचय क्या है और मैं कहाँ से आया हूँ। वो इस ब्रह्मांड को देखता है तो उसके मन में जिज्ञासा पैदा होती है, वो विज्ञान को पढ़ता है, उसको समझ में आता है कि आज जो सूर्य आकाश में चमक रहा है, एक दिन ये सूर्य नहीं रहेगा, आज जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं, एक दिन ये पृथ्वी काल के गार में समा जाएगी। तो जिस दिन ये पृथ्वी नहीं रहेगी, जिस दिन ये सूर्य नहीं रहेगा, उस दिन इस ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या होगा? या जिस दिन ये पृथ्वी नहीं थी, ये सूर्य नहीं था, तब ये ब्रह्मांड का अस्तित्व क्या था? ऋग्वेद के मंत्रों में ये बात अनेक बार दोहराई गई है, न मृत्यो रसी न अमृतम, कि जब मृत्यु भी नहीं थी और अमृत भी नहीं था, यानी न जीवन था न मरण था, तब कौन था जो इस व्यवस्था को चला रहा था, और जब ये सब समाप्त हो जाएगा तब कौन होगा जो इस व्यवस्था को इसी सुचारू रूप से चलाता रहेगा?
अध्यात्म के ये गहरे प्रश्न, और मैं मानता हूं कि संपूर्ण विश्व में केवल एक भारत भूमि ही ऐसी है जहां पर इतने महान चिंतक पैदा हुए, जिन्होंने इन विषयों पर गूढ़ चिंतन किया, समाधि के अंदर इन प्रश्नों का साक्षात्कार किया और समाज को एक दिशा दिखाई। यदि वैदिक काल से वर्तमान काल तक हम देखें, वेद, वेदांग, उपांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र और उसके बाद हजार से भी अधिक संप्रदाय, हर संप्रदाय की अपनी मान्यताएं, हर संप्रदाय के अपने सिद्धांत, हर संप्रदाय की अपनी शिक्षाएं, हर कोई प्रयत्न कर रहा है कि किसी तरह से सृष्टि के इन गूढ़ रहस्यों को जान लिया जाए और संसार के सुख दुख से परे होकर के उस असीम आनंद का मार्ग खोल दिया जाए। लेकिन जहां भारत भूमि का यह सौभाग्य है, इसके साथ साथ एक दुर्भाग्य ये भी है कि जितना धार्मिक ग्रंथों पर कार्य यहां पर हुआ, जितने महान ऋषि, महान पुरुष यहां पर पैदा हुए, उसके अनुपात में आज भारत भूमि को निश्चित रूप से स्वर्ग बन जाना चाहिए था। लेकिन यदि हम चारों तरफ देखते हैं तो चारों तरफ घृणा, द्वेष, राग, वैमनस्य, हर तरफ शत्रुता और कलह ही दिखाई देता है। सोचिए, जो धरती कणाद की धरती है, ऋषि कणाद के बारे में कहा जाता था कि आंखों से जितना अन्न को चुना जा सके उतने अन्न में ऋषि कणाद अपने जीवन का निर्वाह करते थे। आज उस ऋषि कणाद की धरती पर चारों तरफ होड़ लगी है कि संसार के संसाधनों को जितना अधिक से अधिक हो सके एकत्रित किया जा सके। उसके लिए यदि किसी को हानि भी पहुंचे, यदि किसी का गला भी रेतना पड़े, तो उसमें लोग पीछे नहीं हटते। ये धरती ऐसी है जिसने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला को देखा, जो मर्यादा में बंधे हैं। एक दिन शाम को उनको बताया जाता है कल आपका राज्य अभिषेक होगा, अगले दिन सुबह कहा जाता है कि आपको 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है। लेकिन राम स्थित प्रज्ञ हैं, उन्होंने दोनों परिस्थितियों को यथातथ स्वीकार किया। पूरी रामायण के अंदर एक भाई और दूसरे भाई का प्रेम क्या हो, एक पिता और एक पुत्र का प्रेम क्या हो, विलक्षण उदाहरण संसार के सामने प्रकट हुआ। लेकिन आज उसी राम की धरती पर यह देख करके आश्चर्य होता है कि कोई भी परिवार ऐसा नहीं जिसमें दो भाई आपस में एक घर में रहने को राजी हो। यह धरती बुद्ध और महावीर की धरती है। महावीर के कानों में लोगों ने कीलों से प्रहार किया, लेकिन फिर भी वो अपनी समाधि में मस्त बैठे हैं। ऐसे अहिंसावादी और ऐसे करुणावान महान पुरुषों की धरती पर आज संसार के अंदर सबसे ज्यादा यदि कहीं पशु काटे जाते हैं तो वो भारत भूमि पर काटे जाते हैं। मैं कुछ दिन पहले एक आंकड़ा पढ़ रहा था, मुझे पढ़ करके बड़ी हैरानी हुई कि जिस गति से मनुष्य संसार में प्रतिदिन पशुओं को काट रहा है, यदि उसी गति से संसार के मनुष्यों को काटना शुरू कर दिया जाए तो 13 दिन के अंदर संपूर्ण पृथ्वी पर एक भी मानव नहीं बचेगा। लेकिन हमें यह विचार करना चाहिए कि हम कहां से कहां पहुंच गए, हम क्या बन सकते थे और आज हम क्या बन गए। आखिर कहां ऐसी बुनियादी भूल हुई। यदि हम इतिहास को देखें तो एक ही बात समझ में आती है कि हमारे पास ज्ञान तो बहुत एकत्रित हुआ, लेकिन वो ज्ञान हम चरित्रार्थ नहीं कर पाए। चरित्र को जीवन में उतारना बड़ा कठिन है, वो हमने नहीं किया। लेकिन चित्र की पूजा बड़ी सरल है, इसलिए हमने सरलतम मार्ग को चुन लिया। राम के जीवन के उच्च आदर्शों को जीवन में उपजाना बहुत कठिन है, लेकिन राम के नाम पर एक मंदिर बनाकर की उनकी 24 घंटे आरती करना बहुत सरल है। बुद्ध और महावीर की तरह अहिंसा के सिद्धांतों को जीवन में उतारना बहुत कठिनतम है, लेकिन उन्हीं बुद्ध और महावीर के नाम पर स्तूप बनाकर के उनकी बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाकर के उनके आगे दंड बैठक करना बहुत सरल कार्य है।
यह कटु सत्य है कि जब से भारतीय संस्कृति में चरित्र की जगह चित्र ने ले ली, मूर्ति पूजा ने ले ली, उसी दिन से हिंदू समाज का पतन आरंभ हो गया। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि अंध तमाह प्रविशंति या असंभूतिम उपास्यते, कि जड़ की पूजा करने वाला अंत तो गत्वा जड़ ही हो जाता है, और यही हिंदू समाज के साथ हुआ। यह एक कटु सत्य है कि जिस तरह से एक मूर्ति है, मूर्ति का एक सौंदर्य है लेकिन उसमें प्राण नहीं है, उसी तरह से आज पूरा हिंदू समाज खड़ा है। सिद्धांत तो है, ज्ञान तो है, विचारधारा तो है, लेकिन उसमें कोई जीवन नहीं है, उसमें से जीवन लुप्त हो चुका है और एक खाली खोखली मूर्ति की तरह जीवन चला जा रहा है। आज इस भारत के अंदर 100 करोड़ हिंदू लोग रहते हैं, कोई आर्य समाजी है, कोई निजानंदी है, कोई वैष्णव है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, हर किसी की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, हर कोई अपने आप को धार्मिक कहता है, लेकिन मैं मानता हूं कि दर्शनों के आरंभ काल में एक चार्वाक नाम के व्यक्ति ने सिद्धांत दिया था, जिसको चार्वाक का सिद्धांत कहा जाता है, जो ये कहता है यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक जियो मौत से जियो। इस संसार के बाद, इस संसार को छोड़ने के बाद कौन वापिस आता है? आज 100 करोड़ हिंदू अपने आप को किसी भी सिद्धांत के साथ जोड़ करके प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन इन 100 करोड़ में से 99% आंतरिक रूप से, वास्तविक रूप से आज चार्वाक के मार्ग पर ही चल रहे हैं। ये बड़े खेद की बात है। यदि निजानंद समाज को भी देखा जाए तो निजानंद समाज भी इन कुरूतियों का कोई अपवाद नहीं रहा है। पिछले 300-400 साल के अंदर जो एक महान विरासत हमें हमारे परमहंसों ने दी थी, आज उस विरासत को धूमिल करने में हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। जो समझाया जाए उसका पालन न किया जाए तो भी समझ में आता है, लेकिन जब किसी समाज के लोग जो समझाया जाए, जो शिक्षा दी जाए, उसके विरुद्ध आचरण करने लग जाएं, तो फिर उस समाज का संसार में टिकना बहुत कठिन है। मैं आपको 2-4 छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। जिस समय श्री जी पन्ना में आते हैं, महाराजा छत्रसाल से उनकी भेंट होती है, महाराजा छत्रसाल अपना तन मन धन समर्पित करते हैं श्री जी को। महाराजा छत्रसाल तो एक राजा हैं, महल में रहते हैं। महाराजा छत्रसाल श्री जी से विनती करते हैं कि यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए यहां पर एक महल बना दूं। लेकिन श्री जी कहते हैं कि इस संसार के सुखों का तो हमने कब से त्याग कर दिया। कारी कामरी रे मोको प्यारी लागे तू, मैंने संसार के सभी सुखों को त्याग करके सादगी को पसंद किया है। और श्री जी जब तक पन्ना में रहे, घास और फूस की झोपड़ी में रहे, लेकिन ऐसा त्यागपूर्ण जीवन जीने के बावजूद आज सब श्री प्राणनाथ जी का जयकारा तो लगा रहे हैं, लेकिन समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चाहता है कि वाणी को ढक करके बड़े बड़े सोने से ढके हुए मंदिरों को स्थापित कर दिया जाए। इसके पीछे संदेश स्पष्ट था कि संसार के वैभव से कभी भी कोई मुक्त नहीं हो पाया है। जिस जिसने परमात्मा को पाया, उसने संसार के वैभव को, जिस तरह से आटे, गीले आटे में से एक बाल को निकाल दिया जाता है, उस तरह से अपने आप को अलग कर दिया। लेकिन ऐसे ज्वलंत उदाहरण देने के बावजूद आश्चर्य होता है कि आज हमारे मंदिरों में होड़ लगी है कि किस तरह से सोने और चांदी के सिंहासनों पर वाणी को, शिवजी को पधरा दिया जाए। हम विचार भी नहीं करते कि हमारे हादि, हमारे प्रियतम पर ब्रह्म ने हमें क्या मार्ग दिखाया। हम रोज गाते हैं वाणी मेरे पीव की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे तिन पार के भी पार।
कितनी विशाल महिमा हम इन शब्दों में गा रहे हैं कि जो निराकार तक भी संसार के महान पुरुषों का ज्ञान पहुंचा, उससे भी परे का ज्ञान हमारे पास है, लेकिन उस संसार के अंदर उस ज्ञान को प्रचारित करने के लिए यदि हमारे प्रचारकों की संख्या को गिना जाए तो उनको हाथ की 10 उंगलियों पर गिना जा सकता है। और तो और यदि कोई संसार के अंदर पवित्र भावना से जनमानस के अंदर श्री प्राणनाथ जी की वाणी को लेकर के जाए तो संसार के लोग चारों तरफ से उसका विरोध करते हैं। ये कैसी मानसिकता है। श्री जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, जगह जगह पर ठोकरें खाई, लेकिन उनके हृदय में एक गहन भिप्सा थी कि किसी भी तरह से मैं ये सत्य के संदेश को संसार के प्रत्येक मानव को समझाऊं, सिखाऊं। लेकिन आज हम उसकी बिल्कुल उल्टी चाल चल रहे हैं। 8 पहर की बीतक में जब सुंदर साथ परब्रह्म की वाणी को गाते हैं तो लालदास जी लिखते हैं कि ये रसना श्यामा जी की पिलावत रस रब का, कि ये वाणी तो श्यामा जी की रसना है और ये परब्रह्म का अमृत है। सोचिए, जो परब्रह्म का अमृत है, जो श्यामा जी की रसना है, आज उसको दरकिनार करके हमारे सभी मंचों से संसार के फिल्मी गानों पर तरह तरह के अभद्र भजन गाए जाते हैं, जिसको गा करके सभी सुंदर साथ एक समय धन्य हुए, श्री जी जिसको सुन सुन करके मुस्कुराते थे, आज हम उस परंपरा पर भी प्रहार कर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस तरह से वेद के विरुद्ध आचरण हुआ, व्यभिचार जन्मा, वाम मार्ग जन्मा और हिंदू समाज का पतन आरंभ हो गया, उसी तरह से आज जो कुरीति निजानंद समाज में फैली है वो बिल्कुल वाणी विरुद्ध प्रतीत होती है। और यदि समय रहते हमने इसके विरुद्ध आवाज ना उठाई, समय रहते हमने सत्य को ना पहचाना और सत्य को धारण ना किया, तो एक दिन निजानंद समाज की जड़ें भी पूरी तरह से लड़खड़ा जाएंगे। आज समय की मांग है कि हम परब्रह्म की इस वाणी के ज्ञान को आत्मसात करें। हमारा समर्पण केवल और केवल श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी के प्रति हो। वाणी के इन ऊंचे सिद्धांतों को अपने जीवन में जितना अधिक से अधिक हो सके हम उतारें। मैं कई बार एक उदाहरण देता हूं। यहां हम छोटी सी संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं, हमारे मन में यह प्रश्न हो सकता है कि 150 लोगों के संकल्प करने से क्या होगा। लेकिन त्रेता युग में जब रावण को जीतने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुल बना रहे थे तो समुद्र के किनारे एक छोटी सी गिलहरी बार बार समुद्र के किनारे पड़ी, बालू में अपने आप को लेटती लौटाती और फिर उसके शरीर पर जितनी धूल एकत्रित होती उस धूल को जाकर के समुद्र में डाल देती। वहीं पर लक्ष्मण खड़े थे, उन्होंने लक्ष्मण ने गिलहरी से पूछा कि तुम क्या करने का प्रयास कर रही हो। गिलहरी ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, अधर्म पर धर्म की विजय के लिए ये बड़ा पुल बना रहे हैं, इसमें प्रत्येक व्यक्ति सहयोग कर रहा है, मेरा भी ये सहयोग है। लक्ष्मण हंसते हैं और वो कहते हैं कि इतना महान, कितना विशाल ये समुद्र है, इस पर तुम्हारी धूल के 4-5 कंकड़ गिर भी जाएंगे तो उससे क्या होगा। लेकिन गिलहरी के मन की भावना है, उसके मन में जो प्रेम है, उसके मन में जो एक संकल्प है, वो उसे पूरा करना चाहती है। तो मैं ये देखता हूं कि हमारे प्रियतम श्री जी साहेब ने भी इस भवसागर के ऊपर एक पुल बनाया है जो इस क्षर से अक्षर से भी परे अक्षरातीत तक जाता है। और उस एक छोटी गिलहरी की तरह जितना छोटे से छोटा पुरुषार्थ या जितना छोटे से छोटा प्रयास हमारा होगा,
सोचिए समग्र लोगों का प्रयास मिलकर के वो एक महान कार्य को जन्म देगा। तो इस मंच से अपने विचारों के माध्यम से मैं आप सबके सामने यही निवेदन करता हूं कि जिस समाज से शिक्षा को छीन लिया जाता है, अशिक्षित समाज पतन के गार में गिर जाता है। यदि निजानंद समाज का भविष्य उज्जवल हो, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम वाणी के इन सिद्धांतों को पढ़ें, इनको अपने जीवन में उतारें और हम सब के छोटे छोटे प्रयास एक दिन एक विशाल रूप लेंगे। और जिस महान संकल्प का श्री जी ने उद्घोष किया था कि सुख शीतल करूं संसार, तो उस महान संकल्प में हमारी ये छोटी सी हिस्सेदारी भागीदारी पर्याप्त होगी। ये जो महान यज्ञ चल रहा है, इस यज्ञ में यदि हमने इतनी सी आहुति डाली, हमारा कर्तव्य केवल इतना हो कि मैं सबसे पहले अपनी आत्मा पर कार्य आरंभ करूं, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारूं, इस मार्ग पर चलूं, प्रेम और भक्ति के जिस रास्ते को वाणी में दर्शाया गया है, जिस सादगी करुणा समर्पण की बातों को सिखाया गया है, उन्हें अपने जीवन में उतारें, प्रेम के इस मार्ग पर आगे बढ़ें और संसार के जितने भी क्रियाकलाप अंधविश्वास रूढ़िवादिताएँ हैं उन सबको सिरे से नकार करके जिस मार्ग पर हमारे परमहंस चले उस मार्ग पर हम भी चलें और अपने जीवन को भी धन धन करें और अपने इस भेरे को भी धन धन करें। बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आप सभी को प्रणाम। प्रणाम जी।